देख रहे हैं हिंद 24 टीवी खबर पल पल की। जौनपुर में अनियंत्रित ट्रक पुलिस चौकी में घुसी, चौकी जमींदोज युवक की हुई मौके पर ही मौत, पुलिस कर्मी घायल। जौनपुर सरपताहा थाना क्षेत्र के लखनऊ बलिया मार्ग स्थित सरायमो उद्दीनपुर पुलिस चौकी में शुक्रवार की देर रात शाहगंज से सूरापुर की तरफ जा रहा अनियंत्रित ट्रक घुसने से पूरी चौकी जमींदोज हो गई। इस दौरान चपेट में आए बाजार निवासी कल्लू उम्र 45 वर्ष पुत्र किशोर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि हेड मुहर्रिर प्रेम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। कथित तौर पर चालक रामफल शराब के नशे में धुत था। घटना में मृत कल्लू के शव को पुलिस कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। रात ही घायल सिपाही को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। रात लगभग 11:45 पर दीवान प्रेम सिंह व दो गार्ड पुलिस चौकी के बगल में ही अलाव ताप रहे थे, जबकि प्रभारी रामदवर यादव रोजमर्रा की तरह चौराहे पर एक चक्कर लगाकर अपनी बुलेट मोटरसाइकिल वहीं खड़ी कर थोड़ी दूर स्थित अपने कमरे में भोजन करने चले गए। उधर बाजार निवासी कल्लू भी किसी बारात से लौटकर चौकी के सामने ही घर जाने के लिए खड़ा था। इसी बीच अचानक शाहगंज की तरफ से तेज रफ्तार में आया ट्रक अनियंत्रित होकर चौकी से सटे महेंद्र यादव की पान व जनरल स्टोर की गुमटी को रौंदते हुए भवन में घुस गया, जिससे पूरा भवन ही जमींदोज हो गया। ट्रक की चपेट में आए कल्लू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उक्त दुर्घटना में महेंद्र यादव की पूरी गुमटी के साथ ही चौकी प्रभारी की बुलेट मोटरसाइकिल भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना की तेज आवाज सुनकर बाजारवासियों की भीड़ जुट गई। मृत कल्लू के माता पिता की वर्षों पहले मौत हो चुकी है तथा उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था। वहीं हादसे के बाद मौके पर लोगों ने भारी भीड़ इकट्ठा कर ली। सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने भी हादसे की जानकारी ली और चौकी परिसर का जायजा लेने के साथ उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। Oh.